चकलो भाई स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अवर गेडी रूट करने वाले अपने जो लोंडे लपाटे होते हैं ना यार, ओनली लेग लेग नहीं इतना थाई है भाई। आप बोले महाराष्ट्र, आप बोले राजस्थान, तो मैं ये चीज इसलिए बताता हूँ आपको मसालों का नाम ताकि आपकी रेसिपी पे थोड़ी ऑलमोस्ट सेम बन जाए यार। भाई डाल दो जी इस पे टमाटर, भाई जंगल में नदी किनारे भाई ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते जी आज की वीडियो की, भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज चिकन की भाई नई रेसिपी बना रहा है जी अपने लोंडे लपाटों के लिए, भाई जो हॉस्टल में रहते हैं जो एकदम हवाजारी करने में विश्वास रखते हैं भाई उनके लिए। भाई अभी नामकरण कुछ नहीं किया जी। हाँ भाई कढ़ाई ले ली है जी, तो डाल दो जी इसमें भाई मस्टर्ड का तेल, भाई 15 से 16 टेबल स्पून भाई तेल ले लिए जी। भाई इसके हल्के फुल्के गर्म का वेट तो कर लियो जी। तेल ठीक गर्म हो चुका है तो डाल दो जी इसमें नमक भाई स्वाद के अनुसार, तो जी गोलो मिलाओ इसको चंगे से। तो जी देख रहे हो क्या है भाई ये जी चिकन, ओनली लेग लेग नहीं इतना थाई है, ओनली लेग एंड थाई। तो डाल दो भाई कितना 1.5 किलो भाई डाल दो। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, अब करना क्या है भाई देख रहे हो क्या है भाई, कूट के धनिया फ्रेश ठीक है जी भाई डाल दो भाई 1.5 टेबल स्पून है ये। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जब करना क्या, करना कुछ खास नहीं है, आपने इसे आपने करीब 5 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे पकाना है। तो जी 4-5 मिनट को जी पकते ये हाई फ्लेम पे, अब करना आ गया है जी भाई डाल दो जी 1 टेबल स्पून भाई अदरक, 3 टेबल स्पून भाई ग्रेटेड भाई कद्दूकस करी भाई लहसुन दोनों भाई डाल दो जी, प्याज भाई 5 प्याज जी 5 प्याज ठीक है जी मीडियम साइज के भाई डाल लो। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स छंगे से। तो जी करना क्या, करना कुछ खास नहीं है, इसे दोबारा से आप 5 से 6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे आप। तो जी 5 मिनट का जी सो पकते ये हाई फ्लेम पे, अब करना क्या है भाई डाल दो जी हरी की मिर्चा, 1 चम्मच हल्दी यानी कि हेल्दी भाई, 1 चम्मच भाई लाल मिर्च भाई, 2 टेबल स्पून भाई मीट का मसाला नहीं भाई चिकन का मसाला सारी भाई रेडीमेड बाजार का। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स छंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी, अब करना क्या है भाई डाल दो जी इस पर टमाटर भाई ढाबा स्टाइल में जैसे करते ना अपने ढाबे में ऐसे करके डालो भाई 4 टमाटर 4। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स फिर से। तो जी नमक मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, नमक हमने बहुत मिलाकर रख दिया हुआ है, बट अगर लगे भी कम है तो भाई डाल देना इस मौके ही टमाटर के ऊपर। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया भाई, पानी मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों हमको इसको वैसे ही भूनना है। अब करना क्या भाई, गैस का फ्लेम लोगे लियो बाबूजी, इस पर ढक्कन रख लियो भाई, कितना ओनली फॉर 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए, चेक कर लो। ओ भाई ये स्थिति है, क्या स्थिति है जी, ये स्थिति है। ओ मुर्गे तो गला या नो गला, ऐ तो मखन है ये मखन। अब करना क्या, देखो जब करना क्या ये कि भाई अगर आपको फुलके फालके खाने हैं भाई थोड़ी ग्रेवी रख देना, तो गैस का फ्लेम हाई कर देना और जो ग्रेवी है भाई इसको दोबारा डीअटैच कर देना, डीअटैच मतलब कम कर देना ठीक है जी। अब मैं थोड़ी ग्रेवी कम करता हूँ इसकी। तो जी बहुत हद तक जो ग्रेवी है भाई वो फिनिश हो चुकी है ठीक है जी। अब करना क्या जी लास्ट में, भैया ऑप्शनल है ठीक है, दिल करे तो करना, नहीं करे ना करना यार। भाई डाल दो उसमें भाई चुटकी भर भाई गरम मसाले का पाउडर भाई चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, कर दो उसे फिर मिक्स मुक्स भाई अच्छे से। तो लो भाई दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गई अपनी भाई चिकन की भाई ये रेसिपी, भाई देखो यार भाई स्पेशली डिजाइंड फॉर अवर भाई लोंडास, हाँ भाई गेडी रूट करने वाले अपने जो लोंडे लपाटे होते हैं ना यार घूमने वाले हैं भाई उनके लिए है। भाई देखो यार भाई दिस इज द चिकन का लेग पीस, हाँ निक्का जिया, एंड दिस इज द बिग भाई थाई पीस अलोंग विद भाई गोल मटोल जिए भाई पोटे, हाँ भाई ग्रेवी देखो मैंने कितनी टाइट रखी हुई है, लुक ये दिल करे भाई रखना, ना करे तो इसे और गाढ़ा करके भाई इसके साथ चिपका देना, हाँ ठीक है जी। ये सारी स्टोरी की जी इस चिकन के लेग एंड थाई पीस की। दिस इज द फुलका गोल मटोल जिया ठीक है जी, हमने रखा भाई फॉर्मेलिटी के लिए, एंड दिस इज हरी की मिर्चा एंड कटे कटे प्याज फ्रॉम लॉक सिंस टीम गैंग। तो जब मुद्दा ये है कि करेंगे क्या भाई, देखो जी इसे हम लेंगे इज्जत सारे का सारा उठा कर ना भाई अपने प्लेट में यार। अब ये बार बार ना यार वो नहीं करना यार, हमने टाचा नहीं करना यार। देखो जी अगर ग्रेवी तो अभी हमने फुलके खाने तो ग्रेवी भी आएगी इसकी भीतर। भाई देखो जी ये स्थिति है, कढ़ाई तू पीछे हट जा बेटे, बताओ यार हाँ प्याज कितनी क्रीमी क्रीमी बनी हुई है, हैं हाँ भाई अलॉन्ग विद टमाटर वो बड़ा गर्म है यार। हाँ भैया भाई जबरानजा, मैं सच में कह रहा हूँ ये रेसिपी बेसिकली यार मेरे ही भाई लोग हैं जिन्होंने शेयर की थी, हाँ हाँ मेरे खास दोस्त हैं भाई, उन्होंने बोला भाई ऐसे बना के देख एक बार भाई बंदा कैसे यार भाई जबरानजा भाई तबाही है तबाही। हाँ ओह प्याज का मिठास टमाटरों का भाई हल्का हल्का खट्टापन भाई, मसाले मैंने 2 यूज़ किए जी और दोनों
भाई नॉन स्पॉन्सर्ड बता रहा हूँ, नॉन स्पॉन्ड पैसे नहीं लिए यार भाई, एवरेस्ट वालों का भाई। गरम मसाला भी तो लास्ट में डाला चुटकी भर, एंड चिकन मसाला भाई चुटकी भर, जो मैंने दो टेबल स्पून यूज़ किया भाई वो नॉन स्पॉन्सर्ड है। हाँ भाई होता, मैं ये चीज़ इसलिए बताता हूँ आपको मसालों का नाम, ताकि आपकी रेसिपी भी थोड़ी ऑलमोस्ट सेम बन जाए यार। ऐसा ना हो कि गर्म मसाला कोई और यूज़ कर लो तो आपको वैसा टेस्ट फ्लेवर ना आए यार, है ना। हाँ तो आ भाई आ, अब मुद्दा जी ये निक्के जी ये लेग पीस का लॉलीपॉप जिया है कुछ नहीं इसके अंदर, हाँ इसको ऐसे खा लेते हैं। भाई तबाही, मसाला भीतर भी गया हुआ यार, रियली एक फैक्ट दा रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे यार, झूठ थोड़ी बोलता हूँ आपसे लोगों से। हाँ वाह यार। तो जी मुद्दा ये कि ये बड़ा जिया लेग पीस नहीं है, थाई पीस, दोबारा बोल रहा हूँ यार थाई पीस को यार, ये खाने में कैसा है। हाँ वाह वाह वाह, वाह वाह भाई डालो उस पर यह मस्त मस्त मसाला। भाई थाई भी चट हो गया यार, बहुत स्वाद है सच में, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत स्वाद। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ अवर निक्का जिया मोटोट जिया पोटा यार। भाई सबसे सिंपल रेसिपी अपने लोंडे लपाटे भाइयों के लिए, अपना कैंपिंग वाला अपना वो अपना लेके जाओ, लिमिटेड मसाले, और कितने मिनट की गेम है सारी, 20 मिनट की गेम है सारी यार, 20 मिनट में आपकी चीज रेडी है यार, आपके सामने पेश है। ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। अब देखो याद आया, दाने कूट के अपने उसके धनिया के, वो उसकी USP है, वो सुन लो ध्यान से आप, वो तगड़ा फ्लेवर देगी आपको। हाँ ये रेसिपी मैं मटन पे जरूर यूज करेगा यार, जरूर। तो जी अब मुद्दा है जी फुलके का, आप फुलका खाने का जी। हाँ भाई फुलका मैं वैसे ही खाएगा, कैसे अपने उसी स्टाइल में। भाई पिछली बार ही मैंने आपसे पूछा था कि इस तरह से भाई ये जो रोटी है फुलका कौन खाता है जी, किस रीजन में खाया जाता है, भाई आप बोले महाराष्ट्र, आप बोले राजस्थान, हाँ बल्कि 90% तो इन्हीं रीजन से आया था। तो जी अब आपका भाई जो कि जम्मू से है भाई उस चीज़ का फैन हो चुका है, अब मैं भी ऐसे खाएगा यार। तो आ भाई, तो जी कर दो उसका मिक्स मुक्स छंगे से। तो मैं क्या करेगा ना, मैं थाई निकाल के ना, ये थाई निकाल के काट कूट के इसी में ऐसा डालेगा यार, चक के ना खा लेते हैं यार। भाई चपरांजा पे चपरांजा सच में। बहुत स्वाद आया, बहुत तबाही स्वाद आया भाई, रेसिपी बहुत प्यारी बनी हुई है यार, जितनी सिंपल उतनी तबाही यार, रियली। और ये रोटी ने तो चार चांद लगा दी है यार, फुल एंजॉयमेंट है जी, फुल एंजॉयमेंट है ये। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है खाने का यार। तो जी वो रोटी तो चट कर दी हमने, अनदर रोटी अनदर, आया तो स्वाद आ रही, स्वाद खाने का भाई बड़ा स्वाद आ रहा। थे तू ग्रेवी माड़ी हारी लेनी ग्रेवी, ऐ थे पानी ऐ थे आपा। तो जी कर दू मिक्स मुक्स चंगे नाल, सच में यार बहुत स्वाद आ रहा भाई यार, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है। अगर ये कोई नहीं करता ना भाई, जरूर करके देखना भाई, टेस्ट जो है ना टेस्ट वो तबाही है यार। तो जी मेरा किंग फैन क्लब भाई, आज हमने किंग की भाई छुट्टी कर दी, आज हमने केवल भाई फुलके और रोटी खाई यार, प्लीज यार सॉरी माफ कर देना यार। तो जी आज हम किंग की फीलिंग भाई फुलके से लेंगे यार। हाँ तो भाई पहली बाइट भाई, आज फुलके की पहली बाइट, रोटी की मर्जी से हम कहते हैं रोटी है। आ भाई तो जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाइयों से, हाँ जो हॉस्टल्स में रहते हैं,
जो आउटिंग के बड़े शौकीन हैं, गाड़ी गुड़ी में गेटी रूट लगाने वाले हैं भाई, ये ना जंगल में नदी किनारे भाई, ये रेसिपी भाई जरूर ट्राई करना भाई, को जरूर बताना भाई कैसे लगी और कैसी बनी। पक्का मैं भाई कमेंट का वेट करूँगा आपका। तो दोस्तों भाई ये थी चिकन की रेसिपी, भाई अभी नामकरण नहीं की है, सोच लेंगे आप भी सोच लेना। विद इन एक्सपीरियंस, टिल देन बाय बाय।